चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, फिर पूछ देता है कि 70 और 90 के बीच अभाज्य संख्या का औसत बताइए, फिर वो देता है 20 से 30 के बीच अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाते हैं, उस कंफ्यूज का इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंफ्यूज को दूर करेंगे, ठीक है। आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला ये आपका ये टॉपिक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नंबर सिस्टम का। तो इसीलिए मेरे को इसके लिए एक अलग वीडियो बना दिए हैं आप लोग के लिए, क्योंकि SSC CGL में मैंने जब इसका पेपर देखा तो इसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। औसत निकालना, माध्य निकालना, कितनी संख्या, इनके इनके बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भाज्य संख्या का और उसके बाद अभाज्य संख्या। सबसे पहले देखते हैं भाज्य संख्या होता क्या है, ठीक है। तो भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या, ठीक है, जो संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो। गुणनखंड मीन्स क्या, जो 2 संख्याओं से अधिक से भाग लग सके। जैसे अगर हम 10 है एग्जाम्पल के लिए, तो 1 से कटेगा, 10 से कटेगा ही कटेगा, अब उसके बाद भी उसके अलावा भी कटेगा किससे, 2 से 5 से, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या हो गया, भाज्य संख्या, ठीक है। तो ये भाज संख्या होगा। अगर 12 है तो 12 किससे, 1 से 12 से तो कटेगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, ठीक है। तो इसके 2 गुणनखंड है ना, ये 2 गुणनखंड के अलावा अगर जिसके गुणनखंड हैं तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। और 2 गुणनखंड जो 1 और 12 है, मतलब कहने का मतलब जो 1 है और खुद वो संख्या ही उसको काट रही है या उसी ही भाग लग रहा है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाज्य, दूसरा हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि जिसका सिर्फ 2 ही गुणनफल हो, गुणनखंड हो, ठीक है, 2 ही फैक्टर हो, एक और खुद वो संख्या। जैसे कि 2 है तो 2 का क्या है, 1 से और 2 से, ठीक है। 3 है तो किससे, 1 से 3 से। 5 है तो 1 से और 5 से। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब चीज यहां तक आपको क्लियर हुआ, यहां तक आपको क्लियर हुआ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होते हैं। अब ये 1 से 100 के बीच का अभाज्य संख्या मैंने पहले ही लिख रखा था, 1 से 100 के बीच मैंने पहली अभाज्य संख्या को लिख रखा था, ठीक है। तो पहली बात आपको मैं बता रहा हूं कि 1 से 100 के बीच में सबसे छोटी, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आप क्या बोलोगे, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या है, 2, ठीक है। हम बोलेंगे क्या, फिर दूसरा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आप क्या बोलोगे, 2, क्योंकि ये जितने भी अभाज्य संख्या है सिर्फ 2 को छोड़ के सारे विषम संख्या है। आप देख लो, 2 को छोड़ के सारे विषम संख्या है, ठीक है। 2 कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्वेश्चन एक बार बिहार पुलिस में पूछ लिया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। अब एक चीज और कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तीसरा पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो क्या बताओगे, 3, ठीक है। अब तो यहां आपको क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, ये चीज क्लियर हो गया। इतने में सिर्फ 2 को छोड़ के सारे विषम संख्या है और 2 सिर्फ सम संख्या है, ठीक है। अब क्या देखेंगे कि इसी क्वेश्चन में अब आपको एक चीज और बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बता रहे हैं, अब इसमें बोलेगा कि सबसे छोटी, पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभी परिभाषा बताया ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी छोटी
छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, आप बोलोगे चार। ठीक है, तो चार सबसे छोटी भाज्य संख्या भी और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी है। ठीक है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आप क्या बताओगे, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मतलब ऑड कंपोजिट नंबर, विषम भाज्य संख्या आप क्या बताओगे, नौ। नौ जो है विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी है। ठीक है, अब इस माध्यम से आपको इतना चीज को जानकारी हो गया। ठीक है, इस चीज को हमेशा आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको याद करना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है ना, कि कैसे इसको इतना याद करें। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ इसके लिए एक है, एक से दस तक के बीच कितने हैं, आप बोलोगे चार, बिल्कुल। दस से बीस के बीच में कितने हैं, आप बोलोगे एक दो तीन चार। ठीक है, बीस से तीस के बीच में दो, तीस से चालीस के बीच में दो, चालीस से पचास के बीच में तीन, पचास से साठ के बीच में दो, साठ से सत्तर के बीच में दो, सत्तर से अस्सी के बीच में तीन, और अस्सी से नब्बे के बीच में दो, और सिर्फ सौ के बीच में एक। ठीक है, अब इसका एक ना ट्रिक बन गया, मतलब आपके लिए ट्रिक बोल सकते हैं कि आप इसको आसानी से याद करना है तो ट्रिक बोलेंगे क्या, चार चार, पहला ट्रिक चार चार। ठीक है, दूसरा बोलेंगे बाईस बाईस। ठीक है, आप मोबाइल नंबर से याद कर सकते हैं जैसे भी। ठीक है, तो एक हो गया क्या, चार चार बाईस बाईस, फिर बत्तीस, फिर बत्तीस, फिर तेईस, फिर तेईस, और फिर क्या बन रहा है, इक्कीस। ठीक है, अब आपको जब भी आपको पूछ ले कि पचास के बीच में क्या है, आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, ये दस बीस तीस चालीस पचास के बीच में तीन है, साठ के बीच में कितने हैं, दो, सत्तर के बीच में कितने हैं, दो, अस्सी के बीच में मतलब सत्तर से अस्सी के बीच में तीन। तो टोटल पहली बात, एक से सौ के बीच में, एक से सौ के बीच में टोटल अभाज्य संख्या कितना है, चार चार आठ, ठीक है, दो दस बारह, तीन पंद्रह, दो सत्रह, दो उन्नीस, तीन बाईस, और दो चौबीस, एक पच्चीस। एक से सौ के बीच में कितने नंबर है अभाज्य संख्या, टोटल पच्चीस, कितने हैं, पच्चीस। ठीक है, अब आपको याद करना है कैसे, चौवालीस, बोलिए चौवालीस, बाईस, बत्तीस, फिर उसका उल्टा तेईस, फिर इक्कीस। स्टार्ट कैसे, बाईस का आधा, चौवालीस का आधा बाईस, फिर क्या हो गया बत्तीस, फिर उसका उल्टा तेईस, फिर इक्कीस। ठीक है, सौ में एक ही होता है संतानवे। अगर आपको पूछे काम कि चालीस और पचास के बीच में, चालीस और पचास के बीच अभाज्य संख्या का औसत निकालें, औसत पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, इकतालीस तैतालीस और सैतालीस को ऐड किए और तीन से भाग, औसत और माध्य एक ही होता है, भाग लगा दिए, तो इकतालीस तैतालीस कितना हो गया, जोड़ लो, सात तीन दस, एक ग्यारह, चार चार आठ, चार बारह, एक तेरह, एक सौ इकतीस बटा तीन, आप बोलेंगे इसका औसत हो गया। आपसे अगर औसत पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं हर पेपर में कि 70 से 80 के बीच का अभाज्य संख्याओं का आप वो निकाल दो, औसत निकालो, आप 71 73 79 को लिए और उसका औसत निकाल दिए, बोलेगा कि 10 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का, ठीक है, औसत निकालो, आप औसत निकाल दोगे। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, 44 22 32 23 21 आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।